और इस एग्ज़ाम को मैंने जीने मरने का बिल्कुल ही इशू नहीं बनाया, इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, मेरे पिता हेडमास्टर पद से रिटायर हुए थे, दिन में हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस होती थी और शाम में थोड़ा सा मतलब खुद को रेजुविनेट करके या फिर थोड़ा सो करके मैं शाम रात में 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी मैंने निकाला। तो मेरा ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे रहा और कोई रेगुलर कोचिंग क्लासरूम ऐसा सच मैंने नहीं ज्वाइन किया। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, जो देश का सबसे सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, उसमें 110वीं रैंक है और वो नवादा, संजोग से नवादा के रहने वाली हैं। हम आज उनसे बात करें, उनके बारे में मैं बताऊं, उससे बेटर है कि हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस सर्वोच्च परीक्षा में कैसे सफलता अर्जित की। तो पहले आप अपना थोड़ा परिचय बताएं, उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मैं नवादा ज़िले से हूँ। जैसा कि आपने कहा, मेरे पिता श्री राजेंद्र प्रसाद एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं ढोड़ा मध्य विद्यालय से, और मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई है 10वीं तक की पढ़ाई मैंने पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर से की है। उसके बाद मेरी 11वीं 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल आरकेपुरम स्थित गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, और मैं अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स विषय में लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन जो कि लाजपत नगर में नई दिल्ली में है, वहाँ से मैंने किया है। और उसके तुरंत बाद ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में ही, इकोनॉमिक्स में ही JNU से किया है। इसके बाद मैं अभी कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हूँ। यह जो जॉब है, यह मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करने के बाद ज्वाइन किया है, और अभी मुझे वहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 110वीं रैंक लेकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा को की ओर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इसकी सफलता का सूत्र अगर जानना चाहे तो कैसे इसको मैंने आप क्लियरिफाई करेंगे? तो बेसिकली जो सिविल सेवा परीक्षा 2020 जो मैंने क्वालिफाई किया है, तो कहा जाता है कि यह देश का वन ऑफ द यू नो टफेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी था इनर मोटिवेशन, जो डे टू डे बेसिस पे आपको 4-5 घंटे 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। क्योंकि आप अगर कोई सपना देखते हैं या कुछ एस्पायर करते हैं, तो जब तक इनर मोटिवेशन नहीं होता तो ये चीज़ आती नहीं है। मेरा इनर मोटिवेशन ये था एज अ स्टूडेंट दैट इट गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अ डाइवर्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द ग्राउंड, और ज़मीनी स्तर पर काम करने का मौका इतने विविध क्षेत्रों में इस सर्विस यह सर्विस जो प्रदान करता है। ये मेरा इनर मोटिवेशन था कि मैं जाना चाहूँगी, अच्छा करियर है और इसके थ्रू मैं हज़ारों लोगों की जिंदगियों का स्तर अच्छा कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। जर्नी थोड़ी सी ऊपर नीचे आई मीन डिफ़िकल्टी की रही। शुरू के जो 2 मेरे प्रयास थे 2018 और 2019 के, उसमें इस एग्ज़ाम की जो प्रीलिमिनरी स्टेज होती है वो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। स्पेशली दूसरे अटेम्प्ट में मैं बहुत हताश और निराश हो गई थी, लेकिन जो मेरे पिता हैं वो मेरे साथ रहे उस असफलता के क्षण में, और आप सबके सामने है जो मेरा तीसरा अटेम्प्ट का की जो असफलता है। चूँकि आप तो जॉब में थे, पहले से भी जॉब में थी, तो इसके बाद इसमें आने का, आदमी जॉब आने के बाद आदमी एक तरह से अस्थायित्व की ओर हो जाता है कि अब हमको चलिए जॉब मिल गया, आराम करेंगे। तो इसके बाद आपने इस क्षेत्र में जो आपने आगे बढ़ा, इसके पीछे क्या रीज़न रहा? मेरा मकसद था वो ये था कि मैं देश के प्रति अपना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और मैं सेटिस्फाइड थी। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है एक सेंट्रल सर्विसेज है, और उससे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये लगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने शुरू की थी पोस्ट ग्रेजुएशन में जब थी, तो मुझे 2 अटेम्प्ट्स की असफलता एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए दिमाग में, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए अगला अटेम्प्ट। और मैंने प्रोबेशन के दौरान ही रात में समय निकाल करके पढ़ाई किया, और मैंने ये अटेम्प्ट देने का एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, उसको प्लान किया, उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, और जो एग्ज़ाम का साइकिल है, प्रीलिमिनरी फ़ेज़, मेंस का फ़ेज़ और इंटरव्यू का फ़ेज़, तो ज़रूरत के अनुसार समय देना और अच्छे से मतलब इंश्योर
श्योर करना कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश की और इसी प्रकार से मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। जैसा कि आपने बताया कि ये तीसरा प्रयास में हुआ, तो पिछले दो प्रयास में जो आपको असफलता हाथ लगी होगी, तो उसमें आप उसको किस रूप में लिया? सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हताशा निराशा तो होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है अपना खुद को एनालाइज़ करना। तो जब मैं प्रीलिमिनरी स्टेज में फ़ेल करी थी, तो मैंने एनालाइज़ किया कि कहाँ परेशानी आ रही है, और मैंने ये पाया कि मैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है, जो बेसिक डिमांड होती है उस फेज़ की, वो समझने में गलती कर रही थी। और जो ऑब्जेक्टिविटी है, जिस तरीके का आपका क्यूरियोसिटी होना चाहिए, अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा गूगल कर लिया और थोड़े नोट्स बना लिए, तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन है उसमें मुझे मतलब लगा कि मैंने कमी छोड़ी थी, तो उसको मैंने थर्ड अटेम्प्ट में फिल करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनल लेवल पे वीकनेस रहा था पिछले दो अटेम्प्ट्स में, वो ये था कि रिवीजन करने से मुझे बहुत कतराहट महसूस होती थी, मैं नहीं करना चाहती थी, हमेशा नई सोर्सेज और नई चीज़ों के पीछे मेरा भागना होता था। तो जब सीनियर्स से बात की कि ये परेशानी है और मैं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, कहाँ एक दो चार नंबर से चूक हो रही है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि जो टिपिकल एस्पिरेंट्स होते हैं वो मल्टीपल रिविजन्स करते हैं स्टैटिक सोर्सेज के, करंट सोर्सेज को लिमिट करो, इतने ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागो। तो इस वीकनेस को मैंने आइडेंटिफाई किया और उसको ब्रिज करने के लिए पूरा प्रयास किया। तो तीसरे अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी स्टेज मेरे लिए हर्डल नहीं बना, और मेंस और इंटरव्यू स्टेज भी स्मूथली अच्छे नंबरों से मैंने पास किया। इसमें जैसे और बच्चों के लिए अगर वो करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कैसे वो सक्सेस हो सकता है? अगर आपको मैंने एक शब्द अगर एक लाइन में कहा जाए तो सक्सेस मंत्र क्या था? जी, सो सक्सेस मंत्र मैं कहूँगी कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन घंटों में कितना क्वालिटी स्टडी करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। हम सुनते हैं कई टॉपर्स के 8 से 10 घंटे, 12-13 घंटे, वो उनके लिए काम करता होगा, लेकिन आप अपने स्तर पे देखिए कि आप एक घंटे में कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्या सच में आप उस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन घंटों में अच्छे से पढ़ें। इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी, इट्स द वर्क दैट यू पुट इन दोज आवर्स दैट काउंट। आपने कैसे फोकस किया, किन चीज़ों पे फोकस किया, या कैसे तैयारी की है, इसको थोड़ा बताइए। जी, तो जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें सबसे पहले तो मैंने सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स से खुद को अक्वेंट किया, और इसको करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर टॉक सुना करती थी, कभी खाना खाते वक्त या जो भी आपके लेजरली टाइम होता है उसमें ये सारी टॉपर टॉक्स और जो वीडियोज़ होते हैं विजन आईएएस अन अकेडमी, इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल। तो खुद को अक्वेंट किया कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, जब उस चीज़ को मैंने समझा तो फिर मैंने खुद की स्टैंडिंग है उसको एनालाइज़ किया कि क्या मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। और मुझे लगा कि मैंने स्कूल के समय में भी एनसीईआरटीज़ वगैरह मैंने पढ़ा है और मैं इस चीज़ को सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकती हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे रहा और कोई रेगुलर कोचिंग क्लासरूम ऐसा मैंने नहीं ज्वाइन किया। तो इस तरीके से जब मैं अपना प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, तो बीच बीच में टेस्ट सीरीज़ लगाना, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मटेरियल्स होते हैं अवेलेबल ऑनलाइन, या फिर आपको मतलब फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करना, तो इस तरीके से ही मेरा प्रिपरेशन हुआ। तो मैं ये कहूँगी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो नॉलेज वाइज तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, कि सोर्सेज सेम है, नॉलेज सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपका जो प्रीलिमिनरी स्टेज है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव स्टेज है, थोड़ा फैक्चुअल स्टेज है। तो उस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से ही आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा, वो जो मेंटल प्रिपरेशन है कि आपको 100 questions in 2 hours, ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस एलिमिनेशन, सो इस तरीके का आपको माइंडसेट डेवलप करना होता है। नॉलेज इज सेम, ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, द एनसीईआरटीज, दैट इज रीइटरेटेड इन एवरी प्लेस। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का अप्रोच रहा मेरा। जब मैंने प्रीलिम्स स्टेज को कंफर्टेबली देखा कि क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो फिर मेंस की तैयारी मैंने सेल्फ नोट मेकिंग से करी, और सेल्फ नोट मेकिंग का जो मेरा जरिया रहा वो ये रहा कि मैं टॉपर नोट्स जो उनके ब्लॉग पे अवेलेबल होते हैं बहुत सारे टॉपर्स के, मैंने उनको थोड़ा स्क्रॉल करके देखती थी कि किस डिटेल में टॉपर्स जो है किसी भी टॉपिक
टॉपिक को अपने नोट्स में कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आप एग्ज़ाम के दिन जब जा रहे हैं तो आप रिवाइज़ कर पाएँ उस नोट्स को। तो इस तरीके से मैं टॉपर कॉपीज़ को देख करके थोड़ा समझने की कोशिश करती थी कि नोट मेकिंग का शैली क्या तरीका होना चाहिए, फिर मैं खुद से नोट्स बनाती थी पढ़ के। और ऐसे करके नोट मेकिंग करना, रिविज़न करना, ये सब मैंने मेंस के लिए किया। और मुझे ये लगा कि मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट विल नॉट बी एन इशू, आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। तो इसलिए मैंने उस पार्ट पे कम फोकस किया, ज़्यादा फोकस मैंने नॉलेज को इंटरनलाइज करने में और असेस करने में, एनालाइज करने में लगाया मेंस के टाइम पे। जब बात आती है प्रिलिमिनरी स्टेज की, तो अगेन आपको गेयर चेंज करना होगा, आपका नॉलेज सेम है बट यहाँ पे जो आपको आपका जो आउटपुट है वो अलग है। यहाँ पे आपको एक बोर्ड मेंबर है 5 लोगों के, तो वो असेस करेंगे और वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं सच। तो आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपकी जो जर्नी रही है, उसको आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना अच्छा आपका, कितना डाइवर्स आपका, कितना इंक्लूसिव आपका ओपिनियन है किसी भी मुद्दे पे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते वो आपको उस एंगल से जज कर रहे हैं। तो उस स्टेज की डिमांड को समझते हुए मैंने वैसे तैयारी की और थैंकफुली ये तीनों स्टेज मैंने इस बार क्लियर किया। कितना समय देती होंगी आप? जी सो पहले 2 अटेम्प्ट्स में जब मैं तैयारी कर रही थी तब तो काफ़ी ज़्यादा समय देती थी, कम से कम 8 से 10 घंटे तो हर रोज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ अ सैटरडे और संडे और एनी फेस्टिवल, मतलब होता था जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ फन एक्टिविटी है उसका समय होता था, लेकिन उसके बावजूद मैं 8 से 10 घंटे रोज़ निकाल लेती थी। पर जब मैंने 3रा अटेम्प्ट दे रही थी मैं, तो उस वक्त मैं प्रोबेशन पीरियड में थी, दिन में हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस होती थी और शाम में थोड़ा सा मतलब खुद को विनेट करके या फिर थोड़ा सो करके मैं रात में 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी मैंने निकाला। तो ये एक साल का जो एग्ज़ाम साइकिल है इसको इस तरीके से कवर किया। कहीं ना कहीं ये रहा कि मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जो पहली बार में क्लियर हो जाना, ये मेरे लिए मोटिवेटिंग रहा इनफैक्ट। तो मैंने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया लाइफ में कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू मिले, चाहे सिविल सेवा के थ्रू मिले। और इस एग्ज़ाम को मैंने जीने मरने का बिल्कुल ही इशू नहीं बनाया, इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखा, उसको एग्ज़ाम की तरह अहमियत दी, प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया और किस तरीके से एग्ज़ाम का जो माइंडसेट है, करेक्ट राइट स्टेट ऑफ माइंड, उस फ्रेम ऑफ माइंड में मैंने खुद को एक साल रखा इस एग्ज़ाम साइकिल के दौरान। घर पे बात होती थी कभी दीदी से या पापा से, कुछ फैमिली इश्यूज है, तो एक मैंने महसूस किया एक मेंटल फिल्टर ऑलरेडी मेरे दिमाग में चलता होता था और मुझे लगता था कि हाँ कुछ बातें मुझे इग्नोर अभी करनी पड़ेंगी फॉर द टाइम बीइंग, तो वो मुझे करना पड़ता था टू बी इन द करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड फॉर दिस एग्ज़ाम। कुछ सामाजिक या पारिवारिक माहौल भी ऐसा बना जिसमें लगा कि हमको कुछ करना चाहिए ऐसा? जी पारिवारिक में तो मतलब पहले से कोई फैमिली मेंबर सिविल सर्विसेज में नहीं थे और ना ही मैं किसी को डायरेक्टली ऐसा जानती थी। जो भी था वो कॉलेज में फाइनल ईयर एलमना सेल के थ्रू मैंने कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थी उनसे बातचीत में मुझे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि पापा का हमेशा सपोर्ट जो है रहना और जो एक सोशल इमेज होता है कि बेटियाँ बेटियों को पढ़ा करके क्या करेंगे, इन बैरियर्स को, मेंटल बैरियर्स को तोड़ना समाज में, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए रहा। पारिवारिक स्थिति क्या है? जी मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे पिता हेडमास्टर पद से रिटायर हुए थे डोहड़ा मध्य विद्यालय से और मेरे परिवार में मेरी माँ नहीं है, तो बचपन से पिता ने ही माता पिता दोनों का रोल निभाया है। मेरी बड़ी बहनें, उनका भी योगदान रहा है, इमोशनल सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी इतना था कि मेरे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे से दिल्ली में एजुकेशन प्रोवाइड किया, इतने अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए जो एक चाहिए मेंटल सेटअप वो प्रोवाइड किया और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दैट आई एम आउट ऑफ प्लेस। माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो इसको आपने किस रूप में लिया, मैंने कि या जो है सो आपको बिल्डअप करने में या मैंने कोई बाधा पहुंचाने में क्या क्या रोल रहा है?
जी जो सोसाइटी है उसमें एक आइडियल फैमिली तो नहीं थी मेरी, बहुत ही अनकन्वेंशनल फैमिली थी। इट वाज लाइक अ डे टू डे वॉर और डे टू डे फाइट इन लाइफ। तो थोड़ा सा मुझे जो है माँ की कमी तो महसूस होती थी, पर बड़ी दीदी जो है वो थोड़ा इस मामले में बहुत क्लोज मैं थी उनके बचपन में, तो वहाँ से वो कमी पूरी हो गई। और पापा बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के रहे हैं हमेशा से, तो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम मेरी बेटी हो, बेटा नहीं, और उसकी जगह लेने की भी कोशिश मत करो। तो ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं कराया, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, अच्छे एग्जांपल्स दिए। उनके साथ में जितना भी मैंने समय बिताया तो उसमें मुझे यही लगा कि ही इज़ द मोस्ट आइडियल पर्सन आई कुड हैव एज फादर इन माई लाइफ।